हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे कि GSTR1 कैसे फाइल होता है। यहाँ पे आप लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद किस मंथ का फाइल करना है वो चेक करेंगे। ठीक है, तो मेरा जो है जनवरी मंथ का है, तो जनवरी मंथ सर्च करेंगे। ठीक है, अभी फाइल इसमें जाएंगे, उसके बाद जनवरी मंथ सेलेक्ट करेंगे। उसका GSTR1 में जाएंगे। यहाँ पे मेरा जो है, यहाँ पे मेरा टैक्स इनवॉइस है, तो हम B2B में जाएंगे। उसके बाद ऐड रिकॉर्ड करेंगे जो मेरा बिल है। तो यहाँ पे मेरा एक बिल है। ठीक है, तो यहाँ पे बस मैं आपको दिखाने के लिए, समझाने के लिए मैं एक ही बिल डाल रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं GST नंबर डालेंगे जिस पार्टी का मैंने बिल काटा है उसका। ठीक है, अभी जिसे GST नंबर डालेंगे तो यहाँ पे उनका नाम आ जाएगा, जिस फर्म का है उसका नाम आ जाएगा। यहाँ पे इनवॉइस नंबर डालेंगे। ठीक है, यहाँ पे इनवॉइस डेट डालेंगे। ठीक है, ये जनवरी का बिल है तो जनवरी का इनवॉइस डालेंगे। ठीक है, उसके बाद टोटल वैल्यू, मतलब इनवॉइस वैल्यू जो होता है, टोटल वैल्यू टैक्सेबल प्लस टैक्स, टोटल वैल्यू डालेंगे यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद आएंगे यहाँ पे कितना परसेंट टैक्स रेट है आपका। तो मेरा 18% टैक्स रेट है, तो यहाँ पे हम यहाँ पर टैक्सेबल वैल्यू डालेंगे तो ऑटोमेटिक टैक्स उठा लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा 15,000 का बिल है, तो उसका बिल जो हो गया, टैक्स हो गया 1350 का 2 हो गया। ठीक है, यहाँ पे सेव करेंगे। सेव करने के बाद नीचे आएंगे, चेक करेंगे कि मेरा बिल सेव हुआ या नहीं हुआ। तो यहाँ पे मेरा बिल सेव हो चुका है। एक ही इनवॉइस था तो मेरा एक इनवॉइस सेव हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे नीचे आएंगे, उसके बाद हम चेक करेंगे डॉक्यूमेंट इशू। ठीक है, कि मेरा कितना इनवॉइस तक कट गया है। ठीक है, तो मैं पिछले मंथ में जाके चेक करेंगे कि मेरा इनवॉइस कहाँ तक इसमें GST में अपडेट है। तो मैं मार्च के महीने में गया क्योंकि काफी लंबे समय हो गए हैं। तो R1 में GST R1 चेक करेंगे हम कि मेरा पिछला इनवॉइस कितना कटा हुआ था। तो यहाँ चेक करेंगे GST R1 में, तो मेरा जो है 3 तक कटा हुआ था। ठीक है, और जून में एक बिल कटा हुआ है 4 नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हम जो है जनवरी में फिर आएंगे हम। ठीक है, यहाँ फिर दोबारा चेक कर लेते हैं कि मार्च में 3 बिल कटे हुए हैं। यहाँ पे देखिए 1 2 3। ठीक है, 3 बिल कटे हुए हैं। तो भाई मैं 3 बिल कटे हुए हैं। ठीक है, अब फिर मैं जनवरी में आएंगे। जनवरी मंथ में आने के बाद, ठीक है, जनवरी में आएंगे। उसके बाद जो है मेरा जो है 5 नंबर इनवॉइस है, तो यहाँ पे हम इनवॉइस नंबर 5 डालेंगे। ठीक है, डॉक्यूमेंट इशू में ऐड डॉक्यूमेंट में जाएंगे हम, यहाँ पे इनवॉइस ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मेरा जो है 5 नंबर इनवॉइस है, तो हम 5 नंबर इनवॉइस डालेंगे। ठीक है, 005, एक इनवॉइस है, एक डालेंगे, कैंसिल कुछ नहीं है तो 0। ठीक है, नीचे आएंगे, यहाँ पे हम सेव करेंगे। सेव करने के बाद यहाँ पे देखो मेरा सेव हो चुका है। 30 सेकंड लगते हैं जनरली, लेकिन ये उतना लगते नहीं है, सेव हो गया। ठीक है, अब यहाँ से मैं बैक जाएंगे। ठीक है, बैक जाएंगे, नीचे जाने के बाद हम बैक करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अब जो है GST R1 फाइल करने के लिए HSN कोड मैंडेटरी कर दिया है। ठीक है, तो भूल से भी यहाँ पे भूल ना हो, क्योंकि HSN कोड मैंडेटरी हो गया है, तो वो डालना ही डालना है। या एक इनवाइस हो या 1000 इनवाइस हो, आपको HSN कोड डालना ही डालना है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा एक एक पीस का है, एक क्वांटिटी है मेरा। ठीक है, तो पीसेस है मेरा, क्वांटिटी डाल दिया, एक टैक्स डाल दिया 15,000। ठीक है, 18% टैक्स रेट है मेरा, मैं ये डाल दिया, टैक्स डाल दिया। ठीक है, 1350 CGST और SGST। ठीक है, उसके बाद नीचे सेव पे जाएंगे। ये हो गया, मैंने चेक कर लिया। ठीक है, हाँ ठीक है। अब नीचे आएंगे, सेव करेंगे, सेव करना, बैक करेंगे। उसके बाद जो है सब कुछ मैंने देख लिया, फिल है मेरा। उसके बाद मैं जनरेट समरी में जाएंगे, जनरेट GST R1 समरी करेंगे। ठीक है, कर दिया, उसको रिफ्रेश करेंगे। ठीक है, जनरली इसमें 1 से 2 मिनट टाइम लगता है। ठीक है, लेकिन रिफ्रेश करेंगे,
रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पे ओके हो गया, ठीक है, कोई एरर नहीं, यहाँ पे कोई एरर नहीं आ रहा। अब नीचे आएंगे, सबमिट में क्लिक करेंगे। एक बात का ध्यान रहे, एक बार सबमिट हो गया फिर दोबारा इसको चेंज नहीं कर सकते, तो सब कुछ केयरफुली देख के आप से सबमिट कीजिए, ठीक है। तो मैंने सबमिट कर दिया, एक ही बिल था मेरा, मैंने सबमिट कर दिया, यहाँ पे जनरेट सबमिट भी कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे, रिफ्रेश करने के बाद फाइल का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। यहाँ फाइल ऑप्शन में जाएंगे, फाइल रिटर्न, ठीक है। उसके बाद टिक लगाएंगे, यहाँ पर टिक मारेंगे, ठीक है। यहाँ पे वो प्रोपराइटर का नाम आएगा, नाम डालेंगे और ईवीसी कर देंगे या फिर डीएससी से कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ईवीसी कर दिया, ईवीसी करने के बाद यहाँ पे ओटीपी गया होगा, फोन पे या मेल पे, दोनों से किसी एक कभी ओटीपी डाल देंगे तो काम हो जाएगा। तो मैं डाल दिया ओटीपी, यहाँ पे मेरा GSTR1 फाइल हो गया, ठीक है। इसके बाद जो है साथ साथ 3 भी कर देते हैं, क्योंकि इसमें एक ही इनवॉइस है और मेरे पास इनपुट पड़ा हुआ है पहले से, ठीक है। तो मैं 3 भी फाइल करता हूँ, ठीक है। तो इस 3 फाइल करने के लिए हम 3B के बॉक्स में जाएंगे, ठीक है। 3B के बॉक्स में जाने के बाद यहाँ पूछता है कि आपका नील रिटर्न है या फिर टैक्सेबल वैल्यू है। तो मेरा तो टैक्सेबल है तो नो करेंगे, अगर नील है तो यस करेंगे, ठीक है। यहाँ पर जाएंगे, फिर उसके बाद मेरा यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर फिल है, ऑटो फिल है, एक ही बिल है 1350 तो 1350 का मेरा टैक्स बन रहा है, ठीक है। यहाँ पर जाएंगे, नीचे देखिएगा मेरा कि मेरा मेरा ITC पहले से अवेलेबल है, तो यहाँ पे मेरा टैक्स नहीं बन रहा, ऑटो सेटअप कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर सेटअप हो गया, यहाँ पे टिक करने के बाद यहाँ पे ऑफसेट लिखा गया, मतलब मेरा पहले से इनपुट पड़ा हुआ था तो उससे ऑफसेट हो गया। अब नीचे आएंगे, फाइल करेंगे, फाइल रिटर्न पर जाएंगे, प्रोसीड टू फाइल पर जाएंगे, फिर टिक मारेंगे, उसके बाद EVC करेंगे या फिर DSC करेंगे, ठीक है। तो हम EVC कर रहे हैं, जनरली EVC करते हैं सब, DSC कंपनी के केस में DSC करना पड़ता है, लेकिन वो भी जरूरी नहीं है, EVC कर सकते हैं आप, ठीक है। मैंने EVC कर दिया, यहाँ पे मैं 3B फाइल हो गया, ठीक है।